नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया जिला न्यायालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में न्यायालय परिसर पर एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सनत कुमार कश्यप, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव राजेश तिवारी, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा एवं समस्त माननीय न्यायाधीशगण और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में मां सरस्वती के शैलचित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। वही आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा, योग मामले, मोटर व्हीकल एक्ट एवं बैंक नगर पालिका वसूली मामलों की सुनवाई करते हुए प्रकरणों का निराकरण किया गया। वही नेशनल लोक के दौरान अदालत में प्रकरणों का निपटारा आपसी सुलह एवं राजीनामा से किया गया, जहाँ नेशनल लोक अदालत में आए हुए पक्षकारों ने अपने प्रकरणों का निपटारा हो जाने से खुशी जाहिर करते हुए माननीय न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित किया है। वही आयोजित नेशनल लोक अदालत कार्यक्रम में माननीय न्यायाधीशों सहित समस्त अधिवक्तागण एवं संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और पक्षकारगण उपस्थित रहे। रिपोर्टर शंकर सिंह, उमरिया। मैं लोक अदालत हिंदी पट गया लोक अदालत के फैसले से भारतवर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में उमरिया जिला में भी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई है, जिसमें आज इसका शुभारंभ परम सम्माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश श्री सनत कुमार कश्यप, उमरिया के कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव जी एवं उमरिया के पुलिस अधीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह एवं अन्य अधिवक्तागणों की उपस्थिति में इसका शुभारंभ सुबह 10:30 हुआ और ये लोक अदालत निरंतर चल रही है। और मेरे द्वारा एक चेक बाउंस के मुकदमे में लाओ सचदेव बनाम विकास जायसवाल में राजीनामा कराया गया है और ये आज की लोक अदालत सम्पन्न। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारम्भ प्रधान जज संत कुमार कश्यप जी, उमरिया जिले के कलेक्टर साहब और एसपी महोदय ने इसका शुभारंभ किया। शुभारंभ के पश्चात उमरिया में लोक अदालत अभी तक चल रहा है और इस लोक अदालत में ऐसे मामले जो कंपाउंडेबल हैं, राजीनामा योग्य हैं, पारिवारिक विवाद के हैं, श्रम के मामले हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के हैं, इस तरह के मामलों का समझौता के आधार पर निराकरण किया जाता है। और ये जो लोक अदालत है, इस लोक अदालत में जो भी मामले निपटते हैं उनकी ना तो अपील होती है और ना ही रिवीजन होती है, ये फैसला अंतिम होता है। और लोक अदालत में जो विवाद का निपटारा होता है, वो विवाद का जो निपटारा होता है वो दोनों पक्ष के लिए फायदे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज उमरिया जिले में सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का प्रदेश मुख्य न्यायाधिपति हैं रवि मठमल जी के नेतृत्व में मनाई प्रारंभ हुई और प्रातः उमरिया में आज सवेरे 10:30 डिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर उमरिया, एसपी, अधिवक्ताओं, न्यायाधीश की उपस्थिति में शुभारंभ कार्यक्रम हुआ और इसके पश्चात यहाँ पे प्रकरणों का निराकरण हुआ। जो प्रकरण है आपसी समझौता राजीनामा के आधार पर प्रकरण निपटाए गए हैं। आज का वातावरण बड़ा सुखमय रहा, पक्षकार स्वेच्छा से यहाँ पे न्यायालय पे आए और जो उनके निपटाने योग्य प्रकरण है, राजीनामा योग्य प्रकरण है, उन पर जो है पैरवी हुई और पैरवी के बाद उन्होंने स्वेच्छा से प्रकरण को समाप्त कराया। ये लोक अदालत की जो परंपराएं जो प्रारंभ की गई है न्यायपालिका में, वह निश्चित रूप से एक अनुकरणीय पहल है। इसमें लोगों को सुलभ न्याय मिलता है और जो न्याय शुल्क लगाया जाता है वो वापस हो जाता है। आज उमरिया न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर बहुत सारे ऐसे मामले भी निपटे हैं जो प्री लिटिगेशन के हैं, जो कि मामले अभी न्यायालय तक नहीं आए हैं, बिजली के हैं, पानी के हैं, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसे बहुत सारे मामले हैं, मोटर क्लेम है, सिविल के मामले हैं, चेक के मामले, बहुत सारे मामले। निश्चित रूप से आज का जो लोक अदालत है वो
न्यायाधीशों की उपस्थिति में गर्मामय वातावरण संपन्न हुआ, जो इसमें हिस्सेदारी किए, जो पक्षकार न्यायालय को सहयोग किए हैं, अपने पक्षों को लिखा है, उनके पर आभार ज्ञापित करते हैं और सभी के प्रति धन्यवाद देते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीटीवी न्यूज चैनल के साथ।